पिंपली राज्य में आज राजा भीमदेव ने अपने दरबार में एक वैचारिक सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें पूरे भारतवर्ष के विद्यालयों के सबसे उत्कृष्ट विद्यार्थी भाग ले रहे थे। भाग ले रहे सभी छात्रों के लिए दान दक्षिणा थी और जीतने वाले उम्मीदवार के लिए थी राजा के मंत्रिमंडल में मंत्री पद की कुर्सी। इस सम्मेलन में तक्षशिला का प्रतिनिधित्व कर रहे थे वहां के सबसे होनहार छात्र चाणक्य। दरबार में राजा के महामंत्री कृष्ण स्वामी सभी प्रतिभागियों से एक एक कर देश के समाज के हित के बारे में प्रश्न पूछ रहे थे, लेकिन अब तक एक भी प्रतिभागी ऐसा नहीं मिला था जो उनके प्रश्नों का संतुष्टिजनक उत्तर दे सके। और अब बारी आई चाणक्य की। उन्होंने राजा और पूरे मंत्रिमंडल को नमन कर अपना परिचय दिया। उसके बाद वो अपनी शिखा की गांठ को कसते हुए आ खड़े हुए राजा के सामने प्रश्नों के उत्तर देने। उनके चेहरे पर एक शालीनता का भाव था। महामंत्री ने चाणक्य से अपना पहला प्रश्न पूछा, सबसे बड़ा शत्रु कौन? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, अहंकार। अहंकार से बड़ा और कोई शत्रु नहीं। वहां बैठे मंत्रीगणों ने चाणक्य की प्रशंसा की। कृष्ण स्वामी ने अगला प्रश्न पूछा, सबसे बड़ा धन क्या है? चाणक्य बोले, विद्या। विद्या ही सबसे बड़ा और अनमोल धन है। उत्तर सुन प्रतिभागियों ने तालियां बजानी शुरू कर दी, लेकिन राजा भीमदेव ने उस उत्तर में कोई रुचि नहीं दिखाई। उनके लिए एक राजा के राजकोष का धन ही सबसे बड़ा धन था। प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए महामंत्री ने तीसरा प्रश्न पूछा, सबसे बड़ा वीर कौन? चाणक्य का उत्तर था, दानवीर। चाणक्य का यह उत्तर राजा भीमदेव को चुभ गया। उन्हें लगा मानो चाणक्य उनकी संपन्नता, उनकी वीरता का उपहास कर रहा हो। उन्होंने अपने क्रोध को काबू में करने के लिए राज सिंहासन को कस के पकड़ लिया। चाणक्य राजा की भावनाएं भांप गए, लेकिन बगैर किसी चिंता के भाव को उजागर किए खड़े रहे। वहां बैठे प्रतिभागी और मंत्रिमंडल ने जब राजा को देखा तो वो सहम गए। महामंत्री अगला प्रश्न पूछने ही वाले थे कि राजा भीमदेव ने अपने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। राजा के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने भारी आवाज में कहा, इस ब्राह्मण छात्र से अगला प्रश्न हम पूछेंगे। सभा में सन्नाटा छा गया। सब जानते थे कि अब चाणक्य की खैर नहीं।